तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की रॉ यानी कि 18 जुलाई की मंडे नाइट रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर हम मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 1475 लाइक का। तो गाइस इस बारी की रॉ काफी ऑसम होने वाली है और इसके मेन इवेंट में दोस्तों होने वाला एक मेगा रिटर्न। तो गाइस इस प्रीव्यू को सुनना बेहद जरूरी है। और वीडियो के सेकंड पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की समर स्लैम एंडिंग की, जो कि एक शॉकिंग तरीके से आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने WWE रॉ की। तो गाइस कल हम लोगों को रॉ देखने को मिलने वाली है और इस बार की रॉ दोस्तों काफी ऑसम रहेगी। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो कि हम लोगों को 100% देखने को मिलने वाली है वो है गाइस प्रियंका बेलेयर वर्सेस कार्मेला। तो लास्ट वीक दोस्तों जो ये चैंपियनशिप मैच हुआ था ये अधूरा रह गया था, जिसका कारण है दोस्तों बैकी लिंच। बैकी लिंच ने दोस्तों वहां एक तरीके से काउंट आउट करा दिया था प्रियंका को, जिसके तहत कार्मेला जीत गई थी। लेकिन इस हफ्ते दोस्तों फिर से मैच रखा जाने वाला है और हम लोगों को कल देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर प्रियंका बेलेयर आसानी से डिफेंड कर जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी रॉ में वो भी दोस्तों कंफर्म्ड सेगमेंट है और ये होने जा रहा है दोस्तों फिन बैलर वर्सेस रैम मैस्टेरियो। तो एक और रीमैच होने वाला है। इसका अंत भी दोस्तों हल्की सी कॉन्ट्रोवर्सी से हुआ था। रे मिस्टीरियो ने एडी गेरेरो को ट्रिब्यूट देते हुए वहां दोस्तों उनके जैसे चेयर वाला सिनारियो किया था, चेयर फेंकी थी और चेयर दोस्तों फिन के हाथ में देखकर रेफरी ने कैंटी बिछवा दी थी। तो यहां दोस्तों फिर से मैच हो रहा है। मेरे हिसाब से यहां गाइज फिन बैलर जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को एज के विनियत देखने को मिलेंगे। एज दोस्तों लगभग 3 हफ्ते से अपने विनियट्स दिखा रहे हैं ऑन बिग स्क्रीन और कल हमें फिर से उनका एक नया विनियट देखने को मिलेगा, जिसे देख दोस्तों फिन काफी ज्यादा शॉक हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइज हमारे अपने सेथ रॉलिंस एंड मैट रियल की वॉर। तो गाइज इनकी ब्रॉल हो सकती है कल की मंडे नाइट रॉ में। रीजन है दोस्तों कि लगभग 2 हफ्ते से एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और खासकर रिडल ने काफी तगड़ा अपर हैंड ले रखा है सेथ के ऊपर। कल दोस्तों सेथ रॉलिंस बैक स्टेज उनकी ठुकाई कर सकते हैं और दोनों की दोस्तों बैक स्टेज हो सकती है ब्रॉल। बात की जाए इसके बाद क्या होना है, तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा वह उसोज एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वालू का। तो गाइज अब साफ हो चुका है कि जेफ जैरेट इस पर्टिकुलर मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं और हमें कल ये चीज देखने को मिल सकती है कि इन दोनों टीम्स के मध्य दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो और उसके अंदर दोस्तों जेफ जैरेट भी शिरकत करे। हाँ दोस्तों इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ जेफ जैरेट अगर कल की रॉ का पार्ट होते हैं तो लेसनर एंड रोमन रेंस की कमी जो कि कल होने वाली हो पूरी हो सकती है। बात की जाए दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की WWE रॉ का रहेगा वो है लोगन पॉल ऑन मिस टीवी। तो गाइस लोगन पॉल मिस टीवी पर आने वाले हैं कल और गाइस 100% वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बारी का रॉ का वो पार्ट होने वाले हैं। तो गाइस उनकी जो रिटर्न है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। मिस टीवी पर आने वाले हैं, दोनों दोस्तों दुश्मन है और समर स्लैम में इनका मैच है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कल कितना ज्यादा मजा आएगा इस सेगमेंट में। बात कर लेते हैं अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। मेन इवेंट पर जाने से पहले बात करते हैं बोनस सेगमेंट की। तो गाइस बोनस सेगमेंट के तौर पर हम लोगों को देखने को मिल सकता है ऑस्टिन थ्योरी का सेगमेंट। तो गाइस ऑस्टिन थ्योरी कल आकर कॉल्ड आउट करने वाले हैं डॉल्फ ज़िगलर को। डॉल्फ ज़िगलर ने क्यों अटैक किया ये दोस्तों डॉल्फ ज़िगलर आकर बताएंगे। हमें चीज देखने को मिल सकती है अल्फा अकेडमी अटैक कर सकते हैं डॉल्फ के ऊपर, जिस पर मुझे क्या लगता है कि लैशली आकर डॉल्फ को बचाने वाले, जिसके बाद लैशली एंड डॉल्फ फेस करेंगे अल्फा को और ऑस्टिन थ्योरी मैच को बैठ कर देखेंगे। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस ये सरप्राइज होने वाला है और गाइस आपको चौंकाने वाला है, यह एक मेगा रिटर्न केविन ओवंस का आज। यहाँ दोस्तों कल केविन ओवंस लौटने वाले हैं, एक्सक्लूसिव खबर है दोस्तों केविन ओवंस के बारे में अपडेट ये है। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट दोस्तों बताया जा रहा है कि केविन ओवंस को इस संडे कंफर्म कर दिया गया है कि रॉक ऑफ पार्ट होने वाले हैं और दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है कल केविन ओवंस शो, जहां दोस्तों वो इजीकेल को कॉल्ड आउट करेंगे। एक चीज भी हो सकती है कि एलरॉड के खिलाफ जो उनका मैच होना था, जो कि दोस्तों इंजरी से पहले होना था, वो दोस्तों कल के कल देखने को मिल जाए। तो इंजरी से रिटर्न वाले हैं केविन ओवंस और दोस्तों रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर पार्ट नहीं है। तो दोस्तों ये हल्की सी सैडनेस तो है, लेकिन हाँ ओवंस का रिटर्न एक बड़ी चीज रहने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी खबरों की। तो गाइस खबरों में हम लेसनर रोमन रेंस को जरूर कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। तो कल दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो जॉन सीना है उनकी शादी जो है
वो हो चुकी है वैनकूवर क्लब में दोस्तों। बीती शाम उन्होंने शादी की, लेकिन कुछ मार्क्स को, कुछ लोगों को दोस्तों ये विश्वास नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारे जॉन सीना है वो उन अभूत लोगों को रिप्लाई करते हुए ये चीज लिखे हैं, आई डू, यानी कि यस मैंने कर ली है। तो दोस्तों सीना ने सेकेंड टाइम शादी कर ली है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया न्यूज है। सीना के बारे में दोस्तों बताना चाहूँ तो समर स्लैम का पार्ट अब होने नहीं वाले हैं, रीजन साहब है दोस्तों, हनीमून मनाएंगे या फिर रेसल करेंगे। बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज की। तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉक लेसनर के ब्रांड न्यू मैनेजर से। तो जहां रोमन रेंस के पास पॉल हैमन है, लेसनर को भी मिल सकता है दोस्तों एक नया मैनेजर। तो गाइस इसे आप भली भांति जानते हो, और यह रिकार्डो रॉड्रिगेज। तो गाइस आपको याद होगा कि अल्बर्टो का एक मैनेजर होता था जो कि बहुत तगड़ी तरीके से उन्हें अनाउंस करता था, उन्हें दोस्तों रिंग में बुलाता था, जिसका नाम था रिकार्डो। रिकार्डो दोस्तों अल्बर्टो को जाने के साथ ही गायब हो गए थे। हाल में रिकार्डो ने ये चीज कही है कि अगर ब्रॉक लेसनर को परेशानी है पॉल हैमन से और उन्हें चाहिए उनका स्पेशल काउंसिल, तो मैं अवेलेबल हूं। ये चीज उन्होंने स्पोर्ट्स कीड़ा को इंटरव्यू देते हुए कही थी, जिस पर दोस्तों आज पॉल हैमन का भी रिएक्शन आ गया था। पॉल हैमन की जली, पॉल हैमन ये चीज लिखे, आई अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स एंड रिमेन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज वर्क एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ही bound to offer the industry in the future. यानी कि दोस्तों उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है अगर रिकार्डो आते हैं, लेकिन क्या लेसनर को चाहिए इस वक्त एक मैनेजर, ये सवाल आपसे भी है। तो बताया जो चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों बैड बनी से। बैड बनी दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियन बनना टीज किया है। तो हाल में दोस्तों बैड बनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दोस्तों उन्होंने गले में चेन पहन रखी है और हाथ में दोस्तों एक अलग सी चैंपियनशिप पकड़ रखी है, जो कि दोस्तों आप देखकर बता सकते हैं कि एक तरीके की कस्टम मेड बेल्ट है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के जैसे दोस्तों दिखने वाली चैंपियनशिप जो है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है बैड बनी के हाथ में। और बैड बनी दोस्तों कहीं ना कहीं टीज कर रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियन बनना। अब गाइस बैड बनी के रिटर्न के बारे में बोलूं तो हाँ, इन फ्यूचर वो हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यू साइन किए हैं, बैड बनी के भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस शैंकी एंड जिंदर का आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रेकअप हो चुका है। आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि दोस्तों लाइव इवेंट में उनकी हाल ही में लड़ाई हो गई। ये लाइव इवेंट दोस्तों सैटरडे नाइट को हुआ है, और गाइस इस पर्टिकुलर लाइव इवेंट में इन दोनों की फाइट जो देखने को मिली, इसका विनर काफी शॉकिंग तरीके से हम लोगों को आते हुए देखने को मिला। तो गाइस सब लोग जानते हैं जिंदर महल जो है हमारे, वो फॉर्मर चैंप रहे, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंप रहे, लेकिन फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंप की दोस्तों तब पिन हो गई जब दोस्तों वो अपने फिनिशर खलास को जाते हैं, शैंकी उन्हें रोल अप लगाकर पिन कर डालते हैं और मैच को जीत जाते हैं। तो यहां दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इनका ब्रेकअप टीज किया है लाइव इवेंट्स में, दोस्तों ये लड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ये हमें स्मैकडाउन में भी लड़ते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकिलास न्यूज की। सेकिलास न्यूज जो आज की मेरे जुड़ी है वो जुड़ी है बेल गोल्डबर्ग से, जो कि इस साल फिर से सऊदी में लौट सकते हैं। हाल ही में दोस्तों गोल्डबर्ग ने साफ कर दिया है कि वो रिटर्न के लिए रेडी है, और एक इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क पोस्ट वालों को, उसके अंदर वो चीज बोले, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट वन कॉल टू हैपन वन ऑफ दीज डेज। यानी कि दोस्तों वो कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास लगा रहे हैं कि उन्हें डब्ल्यू की तरफ से कॉल आएगी, और आगे उन्होंने चीज़ कही है कि जब तक वो मरते नहीं तब तक वो रेसल करने वाले हैं। तो ब्लड मनी के लिए दोस्तों गोल्डबर्ग कुछ भी करने वाले हैं, जल्द हमें गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। वाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों समर स्लैम 2022 की एंडिंग से। तो गाइस समर स्लैम 2022 की जो एंडिंग है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, और गाइज एज पर विंस रूसो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा शॉक क्रिएट कर सकती है। इस वक्त तो दोस्तों विंस मैकमैन एक ऐसी कंट्रोवर्सी में है जिसके चलते उनके जो टॉप गाइज है उनका साथ छोड़ रहे हैं। जॉन सीना दोस्तों समर स्लैम में लौटना नहीं चाहते हैं। हाँ दोस्तों विंस रूसो का मानना यह है कि जॉन सीना नहीं चाहते इस वक्त उन्हें मैकमैन के साथ जोड़कर देखा जाए। प्लस दोस्तों जो हमारे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर है वो भी दोस्तों विंस मैकमैन के प्रिय है, तो हाँ ये हो सकता है कि दोनों दोस्तों उनका साथ छोड़ने की बात करें और एक शॉकिंग एंड आए। ऑस्टिन थ्योरी के पास दोस्तों मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है, और इस पर्टिकुलर मैच का अंत इस तरीके हो सकता है कि दोनों ही चैंप्स को नुकसान हो और कोई तीसरा बंदा चैंपियनशिप ले जाए। देखते हैं दोस्तों वहां क्या कुछ होता है। इस वक्त दोस्तों दोनों ही पार्ट टाइमर बने हुए, तो हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे चैंपियन की भी नीड है जो कि 365 दिन चैंपियनशिप अपने कंधे पर रखे। आपका क्या कहना है इस पर बताया जो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।